गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर तेजपाल सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना। आई हैव क्वालिफाइड CSR नेट JRF, UGC नेट JRF, गेट। आई एम आल्सो गोल्ड मेडलिस्ट इन MSc। बच्चों, हमने स्टार्ट की है केमिस्ट्री की सीरीज फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। उसी के अंतर्गत आज हमारा जो टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर, यानी कि साई और साई स्क्वायर का क्या महत्व है। इससे पहले हमने जो टॉपिक कवर किया था लास्ट लेक्चर में, वो था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, यानी डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई ओवर डेल जेड स्क्वायर एक्स बाई जेड। थ्री डायमेंशन में इक्वेशन है ये, प्लस 8π² m ओवर h² e - v साई इक्वल जीरो। ये ई क्या है? टोटल एनर्जी, और वी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ठीक कर लेते थोड़ा। इसको हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर साई प्लस 8π² m ओवर h² e - v साई इक्वल जीरो। जहां डेल क्या है? यहां लाप्लेसियन ऑपरेटर, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ओवर डेल जेड स्क्वायर, जो हमने क्या डिट किया है डेल स्क्वायर से। तो ये इक्वेशन कैसी दिख रही है? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो ये लार्ज नंबर ऑफ वैल्यू देती है ई की, तो जिसमें कुछ वैल्यू क्या है? ट्रू है और कुछ इमेजिनरी है। और अगर इसमें से अगर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू नोन है तो देख ली इजिली से हम टोटल एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो ढेर सारी वैल्यू आती है एनर्जी की, उसमें से कुछ ही वैल्यू होती है एक्सेप्टेबल वैल्यू, और उसी के करस्पॉन्डिंग फंक्शन को कहा जाता है आइगन फंक्शन। और ये वैल्यू कहलाती है आइगन वैल्यू, जो ट्रू वैल्यू होती है और कुछ कंडीशन को फुलफिल करती है। कंडीशन बताते हैं क्या क्या कंडीशन होती है। ये क्वांटम मैकेनिक्स में कोई भी फंक्शन अगर इन वैल्यू को फुलफिल करता है तो उसको बोलते हैं वेल बिहेव वेव फंक्शन, यानी कि वैल्यू का सिंगल वैल्यू। फाइनाइट वैल्यू एक कंटिन्यूस वैल्यू एंड फोर्थ जीरो एट इनफाइनाइटी, अब इनफाइनाइट जाकर वैल्यू क्या हो जाए? वैनिश हो जाए एट इनफाइनाइट। और क्वांटम मैकेनिक्स में कोई फंक्शन इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो उसको बोलते हैं वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन, वेल बिहेव वेव फंक्शन। जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सोल्व किया हाइड्रोजन एटम्स के लिए तो देखिए ढेर सारे क्या आए? एनर्जी लेवल्स मिले। व्हेन सोल्व श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम और लाइक ए हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है? एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो इसी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सोल्व करने के बाद जो तीन हमारे आए थे क्वांटम नंबर, जो बच्चे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर,
एल यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर, और देखिए एम यानी कि मैगजी क्वांटम नंबर। यह ऐसे सॉल्व करने के बाद सूरज वेव इक्वेशन को हाइड्रोजन एटम्स के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन एटम क्या है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया गया और मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, जिसको सॉल्व करना क्या बहुत ही टफ है। तो उसके लिए अलग अलग मेथड आए थे और जो मेथड थे यानी के सूरज वेव इक्वेशन जो है ये डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल 0। जब इसको सोल्व किया हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लगे तो इजी से सोल्व हो गया और ये सेटिस्फाइड भी करता था सारी कंडीशंस को, लेकिन जब मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के लिए इसको अप्लाई किया गया तो एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुआ। तो इसके लिए कुछ मेथड आए थे जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए को सोल्व कर सकते हैं। तो दो मेथड थे बच्चों, इन मेथड का नाम होता है अप्रोक्सीमेट मेथड, अप्रोक्सीमेट मेथड हिंदी बोलते हैं सन्निकटन, सन्निकटन मेथड। ये दो थे, एक अप्रोक्सीमेट वेरिएशन मेथड एंड सेकंड वन पर ट्रावर्सल मेथड यानी कि इन मेथड को अप्लाई करके जो सूरज वेव इक्वेशन है वो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो ये दो टॉपिक हैं वेरिएशन मेथड और पर्ट्रेस मेथड ये आपके सिलेबस के बियॉन्ड है, तो इसको कभी हम पीजी में कवर करेंगे तब देखेंगे मेथड क्या है। तो अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। और साई किसने लिया था, सूरजिन ने, यानी कि साई अगर बात करते हैं तो नो सिग्निफिकेंस ऑफ साई। साई क्या करता है, साई इज ए मैथमेटिकल फंक्शन है जिसको नाम दिया है वेव फंक्शन। और हमने पीछे ही बताया था कि साई क्या है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल जिसने बोर्स के ऑर्बिट को रिप्लेस किया था ऑर्बिट को। और साई सिंपल है क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ स्फेरिकल वेव, यानी कि स्फेरिकल वेव का ही क्या है, सिंपल आयाम को रिप्रेजेंट करता है साई। ऑन द अदर हैंड साई स्क्वायर क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस पोजिशन इन एन एटम, इसको हम देखेंगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आया था साउंड वेव्स है या फिर लाइट वेव्स है। जैसे कि अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव द स्क्वायर
of the amplitude of wave is proportional to intensity of light और प्रोपागेशन वेव या फिर और साउंड वेव और साउंड वेव। साउंड वेव यानी कि साइन वेव का जो एम्पलीट्यूड है उसका स्क्वायर का रिप्रेजेंट करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो वैसे ही हम कह सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया था साई स्क्वायर में, यानी साई स्क्वायर क्या है, साई का कहते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड ए न्यूक्लियस एट वेरियस पोजिशन पोजिशन इन एन एटम, यानी कि नाभिक के चारों तरफ जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता जो कहलाती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं साई स्क्वायर से। यानी कि साई स्क्वायर सिंपल बताती है कि इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता क्या है किसी भी एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ या किसी पॉइंट पर, और साई के रिप्रेजेंट करता है ओनली एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। अब साई की वैल्यू क्या है, जो ये साई है साई की वैल्यू रियल हो सकती है, इमेजिनरी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है साई की वैल्यू, लेकिन साई स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि ये क्या बताता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डेंसिटी। देखते हैं जो सपोज साई इक्वल ए प्लस आई वी, ए वी क्या है कुछ कॉन्स्टेंट और आई क्या है इमेजिनरी क्वांटिटी है, हम जानते भी आई स्क्वायर इक्वल माइनस वन, तो साई ये है तो साई स्टार इक्वल ए माइनस आई वी, ये इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है। तो हम इसको देखेंगे, देखिए तो साई स्क्वायर क्या हो जाएगा, साई स्टार इक्वल साई स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि साई स्क्वायर ऑलवेज क्या है ये ऑलवेज पॉजिटिव। तो हमने देखा साई और साई स्क्वायर, तो हमने इसमें देखा है कि साई क्या है ओनली रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, व्हाइल साई स्क्वायर हैज सिग्निफिकेंस एंड दिस इज रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी।